जी राजस्थान में क्या हालत है? राजस्थान में भी क्या ऑपरेशन कमल की को लेकर आशंकित हैं लोग? मतलब बीजेपी वाले, मैंने अभी जुमला दोहराया था, जीते कोई भी सरकार बीजेपी की बनेगी। अगर मामूली देखिए, अंतर से कोई खेल होता है तब क्या होगा? अभी ऐसा तो नहीं बोल रहे राजस्थान में बीजेपी के लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि 200 में से 135 सीटें हमारे आएंगी। सीपी जोशी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है। डोटासरा उसके बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, और वो, लेकिन सीपी जोशी कहते हैं कांग्रेस 50 से आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसके विपरीत डोटासरा कह रहा है कि हमने जो कुछ किया है उसके हिसाब से हमें क्लियर कट मेजोरिटी हमें मिलेगी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप 135 गिनते रहिए। लेकिन हकीकत यह है कि जिन सीटों पर बागी होकर के लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस के बागी भी और उधर भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने बागी भी, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो जो उनके प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने संपर्क साधने का सिलसिला बनाया है। इधर वार्ड रूम में आज कांग्रेस ने भी इस पे फैसला किया और अपने लोगों को, जो जिनको जो नाराज है, उनके साथ में संपर्क में रहने के लिए कुछ लोगों को लगा दिया है। तो दोनों तरफ से ये सब तैयारियां हैं। ये उनको मतलब इसका मतलब है कि दोनों शक है कि क्लियर कट मेजोरिटी हमारी आएगी। जैसे हम लोगों ने कहा, जैसे मैं कहता हूँ कि जब आपने इतनी अच्छी गारंटियां दी हैं और इतना कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया है अपनी गारंटीज बनाने में, तो आपको देखना चाहिए कि आपका मत प्रतिशत कैसा रहा है। महिलाओं ने खूब जम के वोट किया है, नौजवानों ने जम के वोट किया है। ये वो नौजवान हैं जो शेखावाटी में एजुकेशनल हब में नज़र आते हैं, और जो अग्निवीर वाले उससे बड़े नाराज हैं क्योंकि फौज में जी ज़्यादातर वहीं से आता है। ये सब तैयारियों के साथ में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ी तो उन लोगों के पास में भी इंतजाम है और इस बात के लिए सजग हैं कि हमारे लोगों को उठा के ना ले जाएं कोई दूसरे, ऐसा लग रहा है जी आज आज की बातों से।